16 दिसंबर को मुख्यमंत्री कार्यक्रम में काले झंडे दिखाने वाले ओबीसी के कार्यकर्ता जिनको कोतवाली पुलिस ने 151 की कार्रवाई कर जेल भेज दिया था, लगातार 2 दिन से चल रहे उनके रिहाई पर ओबीसी महासभा धरना दे रही थी। आज भी ओबीसी महासभा के द्वारा जब उनकी जमानत कार्रवाई गई तो जेल में उनको बाहर निकलने से पहले अब ओबीसी महासभा को पता चला कि जेल में उनके साथ में अभद्रता की गई है, तो ओबीसी महासभा के कार्यकर्ता जेल के बाहर धरने पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। जब ओबीसी महासभा के कार्यकर्ताओं को जेल से रिहा नहीं किया गया तब ओबीसी महासभा के पदाधिकारी जेल के सामने ही जेलर मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे और प्रशासन को कोसते रहे। इसके बाद ओबीसी महासभा के सभी कार्यकर्ताओं को जेल से बाहर निकाला गया तो उन्होंने ओबीसी महासभा जिंदाबाद के नारे लगाते हुए उनका जोरदार स्वागत किया और मालाएं पहनाई। उसके बाद ओबीसी महासभा के कार्यकर्ता शहर के जुलूस निकालते हुए गए, जिसके दौरान ओबीसी महासभा के कार्यकर्ताओं का जेल से रिहा होने पर जगह जगह स्वागत किया गया। मोनू नामदेव की रिपोर्ट। आपको अभी आप जेल से आप लोगों को जमानत मिल गई है, क्या कुछ कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, ये दमनकारी जो सरकार है लगातार ओबीसी के ऊपर अत्याचार लगातार उनके छात्रों के ऊपर और वर्ग के ऊपर लगातार कर रहे हैं। बीजेपी सरकार आज से नहीं कर रही है, पिछले 17-18 साल से मध्य प्रदेश में लगातार अत्याचार कर रही है और ये जेल वो डराकर हम लोगों को ऐसा सोच रहे हैं कि लोग डर जाएंगे। हम आज से ये चेतावनी सरकार को देना चाहते हैं, लगातार ये मूवमेंट तेज़ होगा और जब तक हमारे लोगों के हक और अधिकार नहीं मिल जाएंगे ये मूवमेंट हम और तेज़ करेंगे और हमारे लोगों को गांव-गांव जाकर जागरूक करेंगे, इस बात को लेकर बताएंगे कि किस प्रकार से हमारे लोगों को डरा धमका कर ये लोग जेल भेजाना चाहते हैं और जेल में हमारे लोगों को झाड़ू पहुँचा के बोल रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। शर्म आना चाहिए सरकार को। हमारे ये लड़के आपको दिखाई दे रहे हैं उग्रवादी, पत्रकार लिख रहे हैं उग्रवादी, ये कहाँ से उग्रवादी आपको नजर आ रहे हैं? सबके सब पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए मामा से बात करना चाहते थे और शिवराज मामा ने साफ मना कर दिया कि हम बात नहीं करेंगे। अब ये CID वालों की मैं बताऊँ, CID प्रभारी से लगातार मेरी बात चल रही थी, बोल रहे थे कि हम मिला देंगे, हर बार झूठ बोलकर ये ऐसे ही हमें झांसे में रखते हैं और हम ये आंदोलन आगे तेज करेंगे। सुनने में आया था बाहर अफवाह फैल रही थी, लोग बता रहे थे कि आपके साथ में कोई अभद्रता की गई है, मारपीट की गई, तो वो क्या सर, मामला तो कोतवाली में भदौरिया जी ने इजाजत से कार्य किया हमारे लोगों के साथ लगातार। सर मैं बताऊं आपको कि हम लोगों को जब गिरफ्तार किया गया हमारे माँ बहन की गाली दी गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ संविधान के किस अनुच्छेद में ऐसा लिखा है? क्या गालियां गलौज आपको जेलर के द्वारा की गई थी कि कोई अन्य कर्मचारी के द्वारा? नहीं, जेलर के द्वारा नहीं की गई, ये जितनी भी गाली गलौज की गई हम लोगों से पुलिस सिटी कोतवाली में माँ बहन की गाली दी गई। आप किस, मैंने पूछा संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है ये कि आप हमें गाली दे सकते हैं, हमने गलत किया आप हमें जेल भेजिए लेकिन आप गाली नहीं दे सकते हैं।